गाइज गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज अभी दोपहर के 3 बजे हैं और अभी जस्ट नीचे जाके ना क्या चिकन लेके आई मैं जाके, क्योंकि मैंने सोचा कि आज बनाते हैं बिरयानी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं खाई थी मैं। जब से फ्रेश चिकन आया ना, आई थिंक एक ही बार बना के खाए हैं हम, तो इसीलिए सोचा कि आज वही बनाती हूँ स्पेशल। काफ़ी दिनों के बाद मज़ेदार लगेगा। जब आप ऐसे चीज़ गैप छोड़ के खाते हो ना, तो उसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है, तो वही। एंड कल मैं ना कोकोनट लाना भूल गई थी, तो इसलिए अभी जस्ट लेके आई ये टेंडर कोकोनट, तो ये भी हम खा लेंगे, ये भी हम पी लेंगे एंड इसकी मलाई खा लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एंड आज ऐसा पूरा मैं ब्लॉग नहीं, बस बिरयानी की रेसिपी दिखाऊंगी आपको इन शॉर्ट, ऐसे ऐसे मैं क्या डालती हूँ, कैसे बनाती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ। अभी बस चिकन को क्लीन करके कट किया है, थोड़ा सा चिकन लाया बस, कितना 400 ग्राम जितना चिकन है, मतलब आधे किलो से थोड़ा कम है, उसमें से मैं एक छोटा सा पीस खाऊंगी बस। पता नहीं क्यों आजकल मैं चिकन ऐसे घर पे बनाया हुआ या ग्रेवी मार्केट की हुई, कोई भी मुझे खाने का मन ही नहीं करता है। बिरयानी से भी मुझे एक छोटा सा पीस ही खाने का मन करता है, उसके अलावा मैं सिर्फ ये फ्राइड चिकन खा सकती हूँ, जो बाहर यहाँ पे फ्राइड वाला क्रिस्पी चिकन होता है ना, वो खा सकती हूँ मैं, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खा सकती, समझ नहीं आ रहा है क्यों। और अभी है ना बिरयानी बनाने से पहले मैं सोचूँ, आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं सेव पूरी खाऊं, तो उस दिन मुस्तफ़ा वालों ने जो पूड़ियाँ दी है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको तल के, आलू को मैंने माइक्रोवेव कर लिया 4 मिनट के लिए एंड आलू गल गए, एक ही आलू को गलाया है मैंने, तो थोड़ा सा सेव पूरी ऐसे 5-5, 10 सेव पूरी बनाऊँगी, 5 मुझे 5 सनी के लिए, तो अभी शाम को खाएंगे वो एज अ टी स्नैक खा लेंगे हम, ठीक है। तो अभी हमारा काइंड ऑफ ए इंटरमिटेंट ही हो गया है, हमारा 16:2 के रेशियो में हो रहा है, मतलब 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ फीस्टिंग, ऐसे बोल सकते हो आप, तो वैसे ही चल रहा है हमारा, तो उसकी वजह से 8 घंटे में जो भी हम खाते हैं ना, वो सब कुछ बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। एंड उसके बाद 16 मतलब पूरा हम ऐसे फास्टिंग नहीं करते, पानी पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, तो वैसा ऐसे एग्जैक्ट इंटरमिटेंट नहीं, फास्टिंग नहीं हो सकता है, तो इतना ये कर रहे हैं। तो अभी फटाफट से हम अभी सेव पूरी का फटाफट से मैं आलू को ना थोड़ा मैश करके उसमें प्याज वगैरह चटनी वगैरह डाल लेती हूँ, और चिकन मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बस इतना सा चिकन है, 4 पीस हैं इसमें, तो अभी इसमें हम मसाले डाल देंगे। ये देखिए ये रहे चीज़ें जो मैरिनेशन में यूज़ कर रही हूँ मैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, ये सारे घर के मसाले, कोई भी बाहर का नहीं है एक्सेप्ट कसूरी मेथी वगैरह, क्योंकि ये सारे मसाले ना मेरी मम्मी बना के दे देती है मुझे ऑलरेडी रेडी, तो मुझे ईजी हो जाता है कुकिंग में। तो ये रही कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये क्वांटिटी मैं आपको हिसाब से नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है, मैं अंदाजे से डालती हूँ, अंदाजे से मेरी रेसिपीज बनती हैं। तो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, शाही जीरा है, ये नॉर्मल जीरा नहीं है, शाही जीरा है। ये रहा दालचीनी का पाउडर, ये भी घर का पिसा हुआ है। ये रहा गरम मसाला घर का, इलायची पाउडर घर की, धनिया पाउडर, ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी बेसिक मैरिनेशन में। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन में डालेंगे ये घी, क्योंकि घी से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एंड चिकन भी सॉफ्ट रहता है, तो इसमें मैं 1-2-3 चम्मच घी डाल देती हूँ। एंड उसके बाद जो तली हुई प्याज रहती है ना ब्रिश्ता, तो उसका ऑयल डाल दूँगी मैं इसमें, अभी के लिए सिर्फ ये वाला घी डाल रही हूँ। उसके बाद डालेंगे ये सारे ड्राई मसाले एंड ये वेट इन्ग्रीडियंट्स, ठीक है। तो इसको अभी हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे पूरा। मैं आपको दिखाने के लिए इसे प्लेट में रखी थी, वरना तो मैं डायरेक्टली डाल ही देती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, तो मैं अंदाजे से डाल ही देती हूँ। अब ये सब डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी दही, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। सब ये देखिए मैरिनेशन हो चुका है, इसमें पुदीना और धनिया थोड़ी देर बाद डालूंगी मैं। अभी इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डालूंगी मैं, नींबू के जूस से ना टेस्ट थोड़ा एनहेंस हो जाता है, तो इसलिए नींबू का जूस डलेगा इसमें। सब इस मैरिनेशन को एक साइड पे रख दूंगी अभी।
मैंने तल लिए। अब फटाफट से इसमें ये मैंने चीनी वाला दही रखा है और ये फिलिंग है, ये लाल चटनी है एंड यहाँ पे हरी चटनी भी बनी हुई है। तो फटाफट से खाते हैं एंड यहाँ पे मेरे पास ये नायलॉन सेव भी है जो ऊपर से डालेंगे। फाइनली क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाएगी अभी। ये बन गए, अभी फटाफट से खाते हैं, ये नरम हो जाएंगे वरना। सो अभी ये प्याज तली हुई प्याज बनाने के लिए मैंने प्याज काट लिया है जिसको ब्रिस्ता बोलते हैं। तो ये हैवी बॉटम वाला पैन है मेरा, तो इसमें मैं बिरयानी बनाऊंगी, तो इसी में प्याज तल लूँगी, इसी में बिरयानी भी बन जाएगी। तो अभी फटाफट से ये बना लेते हैं, ये सबसे बड़ा काम होता है, ये हो जाए ना तो आधी बिरयानी डन है। फाइनली अभी जस्ट मैंने भेलपूरी वगैरह खा के हो गया है। क्रेविंग होती है ना वो सेटिस्फाई होने तक ना शांति नहीं मिलती रहती है। तो अभी बस मैंने ये देखिए कॉफ़ी बनाई है, तो कॉफ़ी पी रहे हैं मैं और सनी, क्योंकि अभी मैं वो ब्रिस्ता अभी भी बन रहा है मेरा, तो ये बनने तक एक कॉफ़ी हो जाएगी। ये शायद ये क्रेविंग वाली आदत मेरी मम्मी से ही आई है मुझे। मम्मी भी ऐसी हैं, जब उनका मन करता है ना तो फटाफट से बना के खा लेती है। तो मेरा भी ऐसे ही मन किया, आज फटाफट से ओवन में आलू गलाया एंड सब कुछ खा लिया। तो अभी जाके मैं थोड़ी देर हॉल में बैठूंगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद बिरयानी दम पे छोड़ दूंगी। चावल को भिगो के रख रही हूँ अभी मैं, तो ब्रिस्ता बनने के बाद मैं दिखाऊंगी कि चावल वाल का प्रोसेस, मैं कैसे चावल को उबालती हूँ, क्या डालती हूँ, मसाले वगैरह सब कुछ। अभी ना ये वाली टोकरी देख के मुझे कुछ याद आया, ये स्टील की टोकरी है। आप गेस कर सकते हो कितने साल पुरानी है। ये मुझे मम्मी ने दी थी, मैं मांग के लाई थी, क्योंकि स्टील की टोकरी काफ़ी यूज़ में आ जाती है। तो पहले के बर्तनों पे ना लिखा जाता था, है ना, बर्तनों पे, तो इस पे लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं ये कैमरा में कितना विजिबल है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए, प्रेजेंटेड बाय वीके धोत्रे। धोत्रे हमारे नेबर्स थे बेलगाम में जब मम्मी पापा रहते थे, 1586 का है ये। दैट मीन्स ये मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है आई थिंक, तब उन्होंने गिफ्ट किया था। 15-1 है कि 15-8 है मुझे समझ नहीं आ रहा। अगस्त 15 तो हमारा कुछ ऐसा है नहीं ओकेजन, मगर अगर जनवरी 15 को मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो आई थिंक उस पे इन्होंने गिफ्ट किया था वी के धोत्रे बोल के। देखिए तब की टोकरी है ये, इतनी साल पुरानी वाली, अभी भी कैसे चमकती है, चकाचक है। देखिए इतनी सारी प्याज काटी थी ना मैंने, तो इतना सा ब्रिस्ता बन गया है। और वैसे भी आज थोड़ा ही बनाया मैंने, क्योंकि बिरयानी की खुद क्वांटिटी कम है, चिकन भी थोड़ा सा ही लाया मैंने बस, तो उसकी वजह से ब्रिस्ता भी, ये आधे किलो का ब्रिस्ता बनाया था मैंने, ऑलमोस्ट 150 ग्राम ब्रिस्ता बन चुका है अभी। और ये इस स्टेज पर ना ये कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बन सकता है आपका ब्रिस्ता, जल भी सकता है, तो बड़ा ही केयरफुली बनाना पड़ेगा इस स्टेज पे। अब ये हो चुका है, मैं इसको गैस ऑफ करूँगी, ये अपनी हीट में ना एग्जैक्ट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि थोड़े थोड़े प्याज वाइट बज गए, अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए करने के बाद भी ये अपनी ओन हीट में ना परफेक्ट कलर पे आके रुक जाएगा। तो अभी मैं इसको ऐसे थोड़ा सा फैला के छोड़ रही हूँ बर्तन में, बाद में इसको मैं निकाल। मैंने बोला था ना इसमें कोई भी आपको वाइट प्याज नहीं दिख रही होगी, एकदम सारा परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हुआ है। तो अभी ये प्याज को ना थोड़ा सा करके मैं इस चिकन मैरिनेशन में डाल दूंगी। मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है ना, तो यूज़ नहीं होता है उसका, तो मैं थोड़ी सी प्याज डालूंगी। और अभी इसमें यहाँ पे मैंने मिंट लीफ और कोरिएंडर को भिगो के रखा है पानी में, ठीक है, इसको अभी मैं चॉप करके इसमें डाल दूंगी एंड फिर हम बिरयानी का लेयर इसमें लगाएंगे। देखिए इतना सा तेल बचा है, घी, जो घी में मैंने ये ऑनियंस को फ्राई किया था वो बचा है, इसमें ही मैं चिकन को लेयरिंग कर दूंगी, फिर राइस को अलग से उबालूंगी। राइस में क्या क्या डालती हूँ वो आपको दिखाऊंगी अभी। मैं बिरयानी के पानी में क्या क्या डालती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, मतलब राइस जिसमें उबालने वाले हैं। जैसे कि यहाँ देखिए राइस रख दिया है, ये पुदीने के पत्ते हैं, डोंट माइंड। तो क्या क्या डालती हूँ मैं इसमें ये दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको पानी को भी आपको फ्लेवर करना होता है। अगर आप पानी में कोई फ्लेवरिंग्स नहीं डालोगे तो बिरयानी बड़ी पेल लगेगी आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हरी मिर्च को मैंने बीच में से स्लिट कर दिया है, ताकि उसका फ्लेवर आए, पानी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे पुदीना और हरा धनिया चॉप करके रखा है बारीक से, और ये रहे पांडान लीव्स जो कि बासमती का पत्ता होता है, वो डालती हूँ मैं। और ये रहा शाही जीरा, जीरा नहीं है ये, शाही जीरा है, ठीक है, इसमें बहुत अलग खुशबू होती है, जीरे से काफ़ी अलग होता है ये। और ये रहा नमक, एंड नमक ज़्यादा डालना है पानी में आपको हमेशा, क्योंकि आपका पानी एकदम नमकीन होना चाहिए, जब आप उसको टेस्ट करके देखो तो नमक ज़्यादा लगना चाहिए, तभी वो राइस में जाके बहुत ही प्रॉपर नमक पड़ता है। अगर आपका नमक, पानी ही नमक वाला नहीं होगा ज़्यादा, तो राइस
जब सोक करेगा नमक को तो ऑलरेडी उसमें कम पड़ जाएगा, तो इसलिए हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा रखिए। एंड फिर ये रहा तेज़पत्ता, इलायची, और ये रहा स्टार अनीस, उसके बाद बड़ी इलायची, फिर लौंग है एंड दालचीनी है। तो अभी इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे पानी में डाल दूँगी। अच्छे से कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ डाल के हो गया है, तो अभी पानी में उबाल आने देते हैं। तो इसमें और साथ ही साथ मैं क्या करूँगी, जो तली हुई प्याज का तेल था ना, तो उसका एक चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। एक्चुअली मेरा तेल है, मेरा घी है, क्योंकि मैंने घी में किया था, तो ये भी अभी डाल देंगे एंड इसको अच्छे से एक उबाल आने देते हैं। ये भीगे हुए चावल ना, ये पानी में उबाल आ चुका है, तो अब इसमें मैं ये चावल डाल दूँगी और इन चावल को मैं 60% पकने तक मैं इसको पकाऊंगी। चावल के दाने को ऐसे तोड़ रहे हो ना, तो वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए एंड थोड़ा हार्ड होना चाहिए, तो दैट इज 60% कुक। तो 60% के बाद हम एक राउंड निकाल के इस पर एक लेयरिंग कर देते हैं चिकन पे, ताकि जो नीचे रहता है ना वो जल्दी पक जाता है चिकन के हीट से। उसके बाद हम आधे चावल को ऑलमोस्ट 90% कुक करेंगे, जब 10% बाकी रहेगा तब उसको हम ऊपर के लेयर में डालेंगे। तो ऐसे लेयरिंग करने से क्या होता है मालूम, जो नीचे चिकन के गर्मी से ज़्यादा पकेगा ना तो ज़्यादा टूटेगा नहीं चावल एंड बहुत नरम नहीं होगा, एंड ऊपर वाला जो 90% कुक्ड होगा ना वो सिर्फ दम पे ना खिलेगा चावल। तो बिरयानी का टेक्निक ये होता है कि नीचे का लेयर हमेशा थोड़ा कच्चा बिछाना चाहिए, थोड़ा कच्चा, ओके, नॉट ज़्यादा कच्चा, फिर वो पकेगा ही नहीं, थोड़ा कच्चा बिछाना चाहिए ताकि वो चिकन और आग उस पर जल्दी लगती है ना नीचे, तो वो आराम से पूरा दानेदार फूलेगा, ठीक है। एंड ऊपर वाला लेयर को सिर्फ दम पे पकना है, तो इसलिए उसको सिर्फ 10% बचा रहेगा ना तभी उसको निकाल देना है। सो ऐसे दो परसेंटेज की लेयरिंग में दो लेयर्स डालने होते हैं इसमें। तो ये कच्चा चिकन है ना, तो ये आराम से पक जाएगा उतनी चावल की हीट से एंड नीचे की हीट से ना आराम से पक जाएगा। सो अभी इसको लेयरिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ, एंड लेयरिंग करते वक्त मैं उसमें जो ब्रिश्ता है, तली हुई प्याज है ना, उसमें डालूंगी, क्योंकि उसका फ्लेवर ज़्यादा आता है, क्योंकि पुदीना मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है, जितना था उसमें सब कुछ डाल दिया ना, राइस वगैरह में पुदीना काफ़ी है। तो अभी मैं रायता बना लूँगी, प्याज, टमाटर और हरे धनिया का रायता, दैट्स इट। क्यूक्यूम्बर मेरे पास है नहीं एंड क्यूक्यूम्बर मैं खा भी नहीं रही हूँ, बताऊंगी कभी आगे क्यों नहीं खा रही हूँ। तो अभी सिर्फ प्याज एंड टमाटर का रायता बनाऊंगी। सो बिरयानी यहाँ दम पे चढ़ गई है और 10 मिनट्स का टाइमर लगाया मैंने, जैसे यहाँ देख सकते हो मैंने टाइमर लगाया 10 मिनट्स का हाई फ्लेम पे। तो हाई फ्लेम पे ना, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए लगेगा एंड उसके बाद और 10 मिनट्स के लिए एकदम लो फ्लेम पे दम चढ़ेगा, ठीक है। हाई फ्लेम पे इसलिए ताकि चिकन अच्छे से पक जाए पहले, और जब वो चिकन पानी वानी छोड़ देगा ना उसके बाद हम इसको धीमे करेंगे ताकि दम पे अपने आप चिकन सॉफ्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ रायता। तो ये घर का जमा हुआ दही है, मैंने कल रात को जमाया था, देखिए कितना मस्त जमा है एकदम। तो इससे अभी मैं रायता बनाऊंगी। बिना रायते के सनी बिरयानी खा ही नहीं सकते। मैं एक बार को खा भी लूँ अगर फ्रेश बिरयानी है तो, मगर सनी तो बिल्कुल बिना रायते के वो खाते ही नहीं हैं। तो अभी ये दही आई थिंक आज रात को फिर से जमा दूंगी मैं, क्योंकि अभी ये ख़त्म हो जाएगा ना। तो इतना आधे लीटर का डब्बा है ये, तो आधे लीटर का दही जमाती हूँ। पहले मैं एक एक लीटर का जमाती थी, मगर फिर उसमें ना येल्लो कलर आने फॉर्म होने लग गया, तो इसलिए तब से मैंने छोड़ दिया। तभी सिर्फ आधे आधे लीटर का जमाती हूँ। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और अनियन काट के रखा है। ये देखिए दम होके तैयार है बिरयानी, अब मैं सर्व करूँगी। बाहर ही लेके जा रही हूँ मैं पूरा बर्तन। सो ओके, एकदम चिकन भी परफेक्ट पका है, मुझे देख के ही समझ आ रहा है। देखिए चिकन का पीस ये रहा। अभी चलिए बिरयानी को बाहर ही लेके चलते हैं एंड वहीं पे सर्व करते हैं।